बहुत सारे आइसक्रीम वाले, तुम तो आइसक्रीम ही खाने वाले अभी तो। ये भाभी ने तो खा लिया है टर्की से आइसक्रीम, हमारा ही बाकी रह गया है। ये देखिए भीड़ देखिए, बहुत सारा भीड़ है। इन्होंने ना ब्राउनी लिया था, ये कुछ मेनू ऐसा है। आपका कौन सा है? मुका ब्राउनी। आपका? इनका तो हो गया, उनका तो हो गया, वो तो वीडियो में है, आपका हो गया है। हमने लिया था वेनिला। ये नकी लेक का एंट्रेंस है, गांधी वाटी का नक्की झील, उसका एंट्रेंस है। यहाँ सीधे जाएंगे, सीधा सीधा जाना है तो बोटिंग का आ जाएगा आपका टिकट काउंटर। बनवा सकते हो 100 से 200 300 समथिंग। ये टिकट काउंटर है और ये पूरा भीड़ लाइन लगा हुआ है और हमने टिकट परचेस की है। पर पर्सन 200 है तो आपको, मतलब पैडल वाला है, आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से आपको लाइफ जैकेट लेना है और अंदर जाना है, यहाँ से आपको जाना है। चलो, हमने दो जन वाला लिया है, सेपरेट वाला। आप चाहो तो इंजन वाला भी ले सकते हो, स्पीड बोट भी ले सकते हो। दो वाला है पलक। यहाँ से हम जा रहे हैं अभी दो जन वाले। कौन सा करवा, 800 वाला कि 400 वाला? 800 वाला, ये 400 वाला है ना? 400 वाला। ओके, 800 नहीं, टोटल 800 दिया था उनको इसीलिए। भैया वो गीला है ना, दूसरा नहीं है क्या? वो भीगा हुआ है पूरा, कपड़ा भीग जाएगा। नहीं नहीं, सीट का बात कर रहा था। हाँ, ये वाला गीला है, देखो पूरा कपड़ा सब गीला हो जाए। हाँ, साथ में ही है। आ जाओ, क्या है, डर क्या, बिठाते हैं। अरे क्या डर, धीरे से आ जाओ, बस धीरे से आ जाओ, इधर पांव रख दो। हाँ बस, अच्छा चप्पल तुम्हारा तो वो वाला है ना, क्या दिक्कत है, आ जाओ। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। ये ना 400 का टिकट है। वाओ, क्या नजारा है, सनसेट पूरा देखने का मजा ही अलग है बोटिंग से। ये फाउंटेन चल रहा है इधर, आज बहुत भीड़ है और आज बहुत थक गए हम तो। अच्छा है, हमारे मैडम थोड़े पैडल लगा रहे हैं तो अच्छा ही है।
ये टूट रॉक है, आपको तो सामने दिख रहा होगा, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। ये ना मेडक जैसा सेप है, तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है यहाँ का, आबू का, टूट रॉक कहते हैं इसको। तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। फिलहाल आवाज़ थोड़ा लेजी आ रहा होगा मेरा, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत ही बढ़िया नज़ारा, बहुत ही बढ़िया। ऊपर आ जाओ, जैकेट लेके ऊपर आ जाओ। अगर शाम के टाइम करेंगे ना तो एक प्लस पॉइंट आपका ये रहेगा कि आपको धूप नहीं लगेगा, तो आपको थकावट कम लगेगी। अगर आप दोपहर या सुबह करेंगे, धूप सर पे होगा, बहुत सारा आप थक जाएंगे, आप पैडल लगा ही नहीं पाएंगे। हम काफ़ी आगे आ गए हैं और पलक लोग जो थे वो पीछे रह गए हैं। तो अभी फाउंटेन की तरफ हम जा रहे हैं, पर थोड़ा दूर ही रहेंगे, क्योंकि अगर नज़दीक जाएंगे ना तो भीग जाएंगे, तो थोड़ा दूर से ही टर्न ले लेंगे। हम ना अभी जा रहे हैं थोड़ा नज़दीक, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा व्यू। अलग लोग बहुत पीछे रह गए हैं, इसीलिए हम थोड़ा आगे ही निकल गए, क्योंकि फिर वहीं खड़ा आधा घंटा मिलता है आपको। बहुजन में आपको एक बोट मिलता है, उसका प्राइस है 400 रुपया, मतलब पर पर्सन आपको 200 रुपये पे करना है। उसमें आपको 30 मिनट मिलेगा, अगर उसके ऊपर अगर जाता है तो आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। हम ना थोड़ा पास में से जा रहे हैं, पर ज़्यादा पास नहीं जा रहे हैं, वरना हम भीग जाएंगे। तो थोड़ा दूर से जाएंगे ताकि हल्की हल्की बूंदे आएगी खाली, अदरवाइज आया आया आया, अरे यार शिट। ना रात का नज़ारा है, अभी जब हम आए तब शाम था और अभी रात हो गया है, तो आप देखिए भीड़, नकील एक 10 बजे तक खुला रहता है। पुराना चढ़ के चल के जाना पड़ता है, और यहाँ ऐसा गाड़ी भी चलता है। तो अगर आप चल नहीं पाते हैं या थक गए हैं तो उसमें भी आप आ सकते हैं। अभी ऊपर जा रहे हैं चल के, ये सब पूरा मार्केट है। अभी हम यहाँ थोड़ा छोटा सा मार्केट है, वहाँ पे शॉपिंग के लिए आए थे, तो अभी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गया है, अब हम रिटर्न जा रहे हैं होटल पे, कि अंधेरा भी हो गया है, 9 बज गए हैं हमारे घूमते घूमते। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, छोटा सा मार्केट है, पीछे आपको दिख रहा होगा, ये यह यहाँ का कुछ मेन मार्केट। तो थोड़ा हम भी घूमने के बाद अब निकल ही रहे हैं। चलो सामने चलो, सामने है मार्केट, सामने एक छोटा सा और मार्केट है, तो हम वहाँ पर चलते हैं।
बड़ा सा मार्केट है, यहाँ पे आए हैं, देखते हैं अगर कुछ पसंद आता है तो। यहाँ 2 पीस ज़्यादा मिलते हैं, 2 पीस और लेडीज़ कपड़े, जेंट्स के तो बहुत ही कम दिखेंगे आपको। का स्वागत है एक नए दिन में। तो हमने चेकआउट कर लिया है होटल से और अभी हम जा रहे हैं गुरु शिखर, जो यहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है। तो सब रेडी हो गए हैं और अभी पलक को ही हमने दे दिया है गाड़ी चलाने को, और मैडम भी रेडी हो गए हैं, दोनों मैडम। तो लेट कर दिया मैडम? हाँ लेट तो कर दिया, अभी टाइम हो रहा है 11, तो आज पूरा दिन है हमारे लिए यहाँ पे, हम शाम को निकलेंगे यहाँ से, तो देखते हैं। चलिए आपको मिलते हैं गुरु शिखर पे। अभी हम पहुंच गए गुरु शिखर, और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये पार्किंग है, तो आप रोड पे मत रखिएगा, यहाँ पार्किंग है 4 व्हील का, जो आपको 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे, क्योंकि रोड पे रखेंगे ना तो कोई भी घिस के चला जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप पार्किंग में ही रखिए। काफ़ी सारे लोगों ने अभी रोड पे रखा था पर हमने नहीं रखा, क्योंकि इतना अच्छा पार्किंग है, 100 रुपीज़ का दिक्कत नहीं है, पर अपना गाड़ी सेफ रहे वही मेन है। तो यहाँ से थोड़ा ही डिस्टेंस है चलने का, तो उतना हम चल लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ पार्किंग कैसा है यहाँ का। ये है पार्किंग, ये आपको 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे और ऑलमोस्ट सब गाड़ी आ ही जाता है। और ये मेन रोड है, यहाँ से आपको एंटर करना है और यहाँ से आपको ऊपर जाना है गुरु शिखर ऊपर के। यहाँ से स्टार्ट होता है गुरु शिखर चलना। यहाँ से आपको सीढ़ी चालू हो जाता है, दोनों तरफ पूरा एकदम मार्केट लगा रहता है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको बहुत सारा, आई थिंक 300 जितना सीढ़ी है जो आपको चढ़ के ऊपर जाना है। और यहाँ के ये सब शॉप है, और मैं सभी शॉप यहाँ पे है ही, अगर आप होम डेकोरेट के लिए चाहिए या फिर कपड़ा के लिए। यही गुरु शिखर है, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं साइड, यही है गुरु शिखर ऊपर दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर जाना है, यहाँ से नीचे की जैसे दिख रहा है। हमने दर्शन कर लिए, अभी यहाँ से हमें नीचे जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मंदिर है गुरु दत्तात्रेय का जो नीचे है, और एक ऊपर है जिसके ऊपर बैल लगा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम नीचे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ऊपर का हमने घूम लिया है, तो अभी बस नीचे जाके वहाँ से जाएंगे हम लोग, फिर जैन मंदिर एक है यहाँ से जो पास में ही पड़ता है, तो वहाँ पर हम जाएंगे। पलक लोग मिल नहीं रहे हैं, अभी उनको हम ढूंढ रहे हैं, आई थिंक वो लोग नीचे चले गए हैं। अभी हम जा रहे हैं नीचे पार्किंग में, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया था। यहाँ पे हमने रबड़ी खाया, रबड़ी का प्राइस था 1 का 80 रुपये। अगर आपको ज़्यादा ही मन है तो ही, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली है, 80 रुपये कुछ ज़्यादा ही है। तो देखते हैं, अभी चल के नीचे जा रहे हैं पार्किंग में, फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग भीलवाड़ा टेम्पल, जो जैन मंदिर है बहुत पुराना है, वहाँ पर फ़ोन ना वो अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ वीडियो नहीं बनेगा, पर मैं आपको
बाहर से बता दूंगा अगर हो सकेगा तो। तो चलिए अभी पार्किंग से हम गाड़ी लेके निकलते हैं, फिर आपको बताता हूँ। यह आ गया हमारा पार्किंग, ये सामने दिख रहा है ये जो पार्किंग, और वो पड़ी हमारी कार। चलिए वो है हमारी गाड़ी, चलते हैं। इतना गर्मी ऊपर लग नहीं रहा है, नीचे है गर्मी, माउंट आबू में ऊपर गर्मी इतना नहीं है। यहाँ अच्छा खासा पार्किंग है जो मैंने पहले भी आपको बता दिया। चलिए अपनी गाड़ी पे आ गए हैं, अभी अंदर बैठ के फिर आपसे बताते हैं। अभी हम पहुँचे हैं अबू रोड के नीचे, हम एक्चुअली आ गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अब अहमदाबाद ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम खाने के लिए रुके थे, तो हमने खाना खा लिया है। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अहमदाबाद। तो अबू से नीचे तो आ ही गए हैं, हमने खाना खा लिया है। अगर आपको भी अगर खाना है ना, तो आप ऊपर अगर नहीं खाना है, क्योंकि ऊपर आपको ना चक्कर आ जाएंगे, तो नीचे आ जाते हैं ना आपको उल्टी हो जाएगा। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम सबको होता ही है। ये वाला होटल था जहाँ पे हमने खाना खाया है, आप नाम देख लीजिए, सीजन इन है। इसका फूड बहुत ही अच्छा था, और ये हमारा गाड़ी यहाँ पर खड़ा है। चलिए चलते हैं अब आगे, अभी पालनपुर जाएंगे, पालनपुर होके मेहसाणा होके फिर अहमदाबाद जाएंगे। तो अभी खाना खा लिया है, तो थोड़ा इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं हम। मैंने आपको बता ही दिया है स्टार्टिंग से एंड तक, थक गए हैं एक्चुअली हम लोग। सुबह से निकले हैं ना, तो घूम ही रहे हैं, क्योंकि हमने 10 बजे चेकआउट जो कर लिया था, उसके बाद हम लोग कहीं पे होल्ड नहीं किया है। उसके बाद हम घूम रहे हैं, गुरु शिखर गए, उसके बाद फिर हम नीचे ही हो गए, क्योंकि वहाँ पर रोड बन रहा था, तो फिर ट्रैफिक बहुत हो रहा था, इसीलिए फिर हम दूसरा जो टूरिस्ट पॉइंट है ना, जो डॉट रॉक है, वहाँ पे हम गए ही नहीं है, फिर हम एग्जिट ही कर गए नीचे। तो ऑलमोस्ट हमने देखा हुआ ही है सब कुछ, 2-3 बार आ चुके हैं, तो कुछ घूमने जैसा ज़्यादा है नहीं, तो जो घूमना था वो हमने घूम लिया है। तो अभी रिटर्न हो रहे हैं हम, तो बस अभी आबू रोड पर है नीचे, तो यहाँ से अब सीधे हम चलते हैं पालनपुर, पालनपुर होके मेहसाणा होके अहमदाबाद। अगर कुछ आता है तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ, आप भी अगर टाइम मिलते तो ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में अगर ट्रिप करते रहिए, ताकि लाइफ थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।